कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि के मामले में आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान एमपीएमएलए कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी रायबरेली के लिए रवाना हो गए। करीब 5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी टिप्पणी से आहत होकर बीजेपी नेता और पूर्व कोऑपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्रा ने एमपीएमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया था। इसी को लेकर बीते 20 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को कोर्ट ने तलब किया था। पिछली पेशी के दौरान उनके अधिवक्ता कोर्ट में पेश हुए और आज फिर इस मामले में राहुल गांधी को तलब होना था, लिहाजा कल भारत जोड़ो यात्रा अमेठी लेकर पहुंचे राहुल आज सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय पहुंचे। इस दौरान वे एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए और सरेंडर कर जमानत अर्जी दाखिल की, जहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। जमानत पाने के बाद राहुल गांधी कोर्ट से निकले और रायबरेली के लिए रवाना हो गए। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। 2018 को राहुल गांधी जी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह, जो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था बंगलौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसी से क्षुब्ध होकर के विजय मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे और भाजपा के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष भी थे, उन्होंने माननीय एमपीएमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था और उस परिवाद में सारे गवाहों का बयान हुआ था, परिवादी का बयान हुआ था। उसी आधार पे 20/11/2023 को माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी जी की तलबी धारा 500 IPC में किया था। उसी में राहुल गांधी जी ने आज माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया और अपनी बेल एप्लीकेशन पेश किया। हमने उस बेल एप्लीकेशन पर विरोध किया, क्योंकि जमानत बेलेबल ऑफेंस था, जमानती अपराध था, तो माननीय न्यायालय ने उनको 25,000 की दो जमानत और इतने की पर्सनल बांड पे उनको रिहा किया। राहुल गांधी पेश हुए थे, क्या हुआ? जी हाँ, मैं माननीय राहुल गांधी की तरफ से आज न्यायालय में उपस्थित हुआ और राहुल गांधी जी आज न्यायालय में उन्होंने आज समर्पण किया 25,000 रुपये के मुचलके और इतने ही जमानत धनराशि के दो जमानत पर उनको रिहा किया गया और अग्रिम कार्यवाही साथ ही एक प्रार्थना पत्र हमारी तरफ से दिया गया, क्योंकि आने वाले भविष्य में वो इनकी रैलियाँ होनी है तो इनकी हाजिरी माफी जरिए वकील जो है अग्रिम आदेश तक पाएंगे। कोई ऑर्डर रिजर्व रखा है क्या? कोई ऑर्डर रिजर्व नहीं, न्यायालय में कोई ऑर्डर रिजर्व नहीं। नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी मिलेगी, ठीक है ना? अभी कंफर्म नहीं है, अभी पता लग जाएगी, ठीक है ना?